सीएस न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। आज का ब्रेकिंग न्यूज यह है कि कांग्रेस पार्टी के श्री राहुल गांधी जी पद यात्रा के आज सातवां दिन कर रहे हैं, और आइए आप लोगों के बीच हमारे प्रवक्ता दिल्ली से छोटू छलिया को संपर्क करते हैं। मैं छोटू कुमार छलिया सीएस न्यूज से बात कर रहे हैं, और चलिए कुछ राहुल गांधी से बात करते हैं। देखिए, जो हमारा जो पद यात्रा है, ये जो है हमारा ये उद्देश्य है कि भारत को एक दूसरे से जोड़ने का। इसमें तो कौवा बहुत उड़ रहा है। हाँ, तो बोल रहे हैं, तो उसमें हमारा जो गैस फ्री कर देंगे हम, इतनी जो बेरोजगारी हमारे देश में है, जो मोदी हमारे कांग्रेस पार्टी दे रही है, लेकिन बीजेपी पार्टी बहुत लोगों को बेरोजगार बना दिया है, बहुत लोग भूखे मर रहे हैं। इस विषय पर मैं इसमें बहुत सुधार लाऊँगा, और मैं जितने भी स्टूडेंट सभी को शिक्षा फ्री में दूंगा, गैस फ्री में दूंगा, बिजली बिल की जो रेट आती है उसको कम कर दूंगा। हाँ सर, सुनिए तो, सुनिए एक मिनट जी, आपसे जनता इस बात पर खुश नहीं है, आप सिर्फ बोलते हैं करते नहीं है, जनता आपसे शिकायत कर रहा है। किसने कहा? कौन जनता बोल रही है? ऐसा तो हमने नहीं सुना। देखिए, यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता शुक्ला जी हैं, उनसे भी कुछ बात करते हैं। हाँ बोलिए सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, ये राहुल गांधी जो पद यात्रा निकाले हैं, जो आज देख रहे हैं, आज सातवां दिन हो गया है इनका, तो कभी ये बोलते हैं महंगाई घटा देंगे, ये घटा देंगे, वो घटा देंगे, तो वो देखते हैं कि उनका टी शर्ट जो रहता है वो करीब 65,000-66,000 का रहता है, और समाज में बोले हैं कि हम उनका महंगाई दूर कर देंगे, तो बिजली फ्री कर देंगे। शुक्ला जी, आप इस बात पर कमेंट कर रहे हैं कि सीरियस बात कर रहे हैं? जी नहीं, सीरियस बात कर रहे हैं, ये कुछ नहीं करेंगे। इनका एक जो है फिजिकल फिटनेस के लिए वो निकले हैं, और समाज में एक अवधारणा पैदा कर रहे हैं कि हम महंगाई घटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब झूठ है, सरासर झूठ है, ये कुछ नहीं करेंगे। हाँ, इनका एक चीज़ सही हो सकता है, जो इनका शारीरिक फिजिकल फिटनेस है वो सही हो सकता है, और कुछ नहीं कर सकते हैं जी। क्या सच बात है? यह सही बात। अभी अभी जो शुक्ला जी कहें, उस बात से आप क्या सहमत हैं? देखिए, ये शुक्ला जी क्या कहेंगे, वो तो जो सिखाया जाता है वो आपके सामने बोलते हैं। अरे, हमारी जो कांग्रेस सरकार इतनी की, लेकिन बीजेपी सरकार कितने रेल को खा गए हैं, कितने रेल को जलवा दिए हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है, है ऐसा। हमने आप चुप रहिए, पहले आप चुप रहिए, हमने आपको बोलने का लोगों को बनाया है, डिजिटल साक्षरता बनाया है। शुक्ला जी, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। जी जी जी, आप कंपनियां बेच के आपकी पार्टी खा गई। जी नहीं, ऐसा नहीं है, बर्बाद कर दिया अभी कंपनियां। क्या क्या आप लोग तो लड़ गए, आप लोग लड़ती रहिए, हम तो चलते भैया।